तो हेलो दोस्तों, एमसी स्टैन का अभी एक इंटरव्यू सामने आया है जहां पर वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं एमी बे वंटाई के बारे में। वैसे पर्सनली कुछ नहीं था ब्रो, मैं मतलब ऐसा नहीं था कि डिस नहीं था ब्रो, बीफ अलग चीज़ डिस गाना रहता। जैसे कि आप जानते हैं कुछ साल पहले एमी बे वंटाई और एमसी स्टैन के बीच काफी तगड़ी बीफ चल रही थी। उस बीफ में एमसी स्टैन ने भी एमी बे पर काफी ज्यादा शॉट लिए। इसी के चलते एक इंटरव्यूअर ने एमसी स्टैन से पूछ लिया कि एमी बे वंटाई के साथ जो बीफ हो गई थी आपकी, वो अब तक समाप्त हो पाई है या नहीं। तो एमसी स्टैन ने क्या कहा उसके बारे में, और एमसी स्टैन का उनके साथ एक कोलैब भी आने वाला है उसके बारे में क्या रियल अपडेट दी है। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। तो बात कर लेते हैं पहले एमी बे वंटाई के साथ जो एमसी स्टैन की बीफ हो गई थी उस पर एमसी स्टैन ने क्या कहा, सुनिए जरा। मेरा बीफ था उसके साथ क्योंकि थोड़े सीन्स हो गए थे, तो एक दो बार मेरे मैनेजर की बात हो गई थी शायद से, लेकिन मैंने नहीं किया, अभी तक मिला भी नहीं वो बंदे को। इंशाल्लाह मिलेंगे कभी, तो ऐसा कुछ नहीं दिल में कुछ नहीं, आपको मिलना चाहिए यार। हाँ, तुम लोग बहुत दोनों बहुत अच्छे हो, जेन्युइन दोनों मिलके साथ। मैंने प्यार किया था आप लोगों के बीच में, देखा मैंने अभी। अब बात कर लेते हैं कि एमसी स्टैन और एमी बे वंटाई का क्या कोलैब आएगा या नहीं, उसके ऊपर एमसी स्टैन ने क्या कहा। जेविन भाई साहब ने एमसी स्टैन से पूछा कि आप दोनों एक अच्छे इंसान हो, मोटिवेटेड इंसान हो और बहुत ज्यादा आगे जाओगे, क्या आपका कोई कोलैब देखने के लिए मिलेगा। और ये इंटरव्यूअर यहाँ तक एक होप करते हैं, एक आशा करते हैं कि आप दोनों का एक कोलैब देखने को मिले, जो कि एक बिगेस्ट कोलैब होगा, अब तक का सबसे ज्यादा फेमस कोलैब होगा। तो उसके ऊपर एमसी स्टैन ने क्या कहा सुनिए जरा। में अभी कोलैबोरेशन का टाइम आने वाला है ऐसा मुझे। हाँ, फटे भाई मेरा तो बहुत, मेरे को लाइक कवाली वाली पब्लिक के साथ अरिजीत सिंह भाई उनके साथ में मेरे को ऐसा एक्सपेरिमेंट करने ना, वो मतलब एक्सपेरिमेंट छोड़ो आउटपुट गाना ना, मेरे को खुद को प्यारा गाना सुनने का ब्रो ना मार्केट में, तो मैं ऐसे से नहीं कि अपने जमाना थे ना भाई। ये मेरे ऊपर वाले से दुआ है कि मुझे एक बार मेरे लाइफ टाइम में एमी बे भाई और एमसी स्टैन भाई का एक कोलैब देखने को मिले, और ये ना मेरे घर पे एक पार्टी पे होना चाहिए, तो मैं रैप का बाबा सिद्दीकी बन जाऊंगा। अरे वाह, कुछ दोनों को गले मिले बोलते हैं भाई, इंशाल्लाह देखेंगे जो भी। नहीं भाई, तुम लोग बहुत सही हो, दोनों बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो और बहुत आगे जाने वाले हो।